श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गई हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो आप सभी भक्तों के जो मतलब हमारे पास मैसेज आते हैं और आप कहते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास प्रयागराज से मोहन शर्मा नाम के व्यक्ति ने पूछा है कि मेरे जीवन के मैंने 35-30 साल जो है हनुमान जी की सेवा में ही बिता दिए हैं, तो क्या मुझे हनुमान जी की कृपा क्यों नहीं हो रही है या होगी, कब होगी और कैसे जाने। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है। आप लंबे समय से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो क्या वो व्यर्थ जा रही है या आपको लाभ देकर जाएगी। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी। जय माता। मोहन जी, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है सकाम भाव से, एक होती है निष्काम भाव से। आपने जो भी बाबा के प्रति भक्ति की है, जो बाबा को प्राप्त करने के लिए की है या क्या चीज प्राप्त करने के लिए की है, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है भक्ति के अंदर। अभी जैसे सीताराम बाबा हैं, जो कि सीताराम बाबा का आप सभी ने भक्तों ने नाम भी सुना होगा, कंटिन्यू अपने पूरे जीवन से लगातार, आज उनकी आयु 100 वर्ष से भी ऊपर हो रही है और वो लगातार रामायण का पाठ करते हैं, बैठे बैठे पैरों में चूहे भी उनके पैर कुतर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो रामायण का पाठ करते रहते हैं, तो ये कौन सी भक्ति है? क्या उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं है? आज मैं जिस वाणी से बोल रहा हूं, क्या ये हनुमान जी की कृपा के अनुसार नहीं चल रही है? भक्ति के अंदर शक्ति होती है। आप जब भगवान की पूजा कर रहे हो तो उसमें पाने की इच्छा का त्याग कर दीजिए। निष्काम भाव की भक्ति, अगर आप सकाम भाव की भक्ति कर रहे हो कि कोई सिद्धि साधना शक्ति या बाबा का अनुभव आपको चाहिए, तो उस सकाम भाव की भक्ति का आपको शुरू से ही ऐसे कहना चाहिए कि बाबा मैं जो भक्ति कर रहा हूं मुझे रिजल्ट चाहिए साधना सिद्धि के अंदर। अगर हम निष्काम भाव की भक्ति करते हैं तो उसमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती, कोई सिद्धि नहीं, वो तो अपने आप ही प्रकट हो जाती। वो एक ऐसी भक्ति होती है जो अपने आप ही आपको रंग दिखाएगी, स्वयं आपको दर्शन की प्राप्ति भी हो गई आपको। और इस बात को आप कैसे कह सकते हो कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं है? अभी बहुत सारे भक्त इस चैनल पर भी कमेंट करते हैं, लेकिन आपके इस कमेंट को पढ़कर इस पर ही वीडियो बनाने का अगर ये हुआ तो कहीं ना कहीं परमात्मा क्या मेरे माध्यम से, क्योंकि उसके रूप अलग है, किसी भी रूप में बाबा अपने भक्तों तक अपनी बात पहुंचाई देते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो है मतलब सकारात्मक और वो होनी चाहिए, तो अभी ये बताइए कि जो भक्ति हम कर रहे हैं 30 से 35 साल हमारे हो गए हैं, तो क्या वो सिद्ध हो जाती है? उस चीज का हमें कैसे पता चले और कौन से बेनिफिट हमें मिलते हैं उस चीज से? ऐसा होता है, भक्ति के कई रूप है। मान लीजिए हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार के कार्य होने वाले होते हैं जो हमारी भक्ति उस कार्य को आगे लेकर आड़े हाथ ले लेती है, और जब हमारे कुछ पीछे के पाप, जो भी हमारे पीछे के पाप होते हैं, जैसे ही हम प्रभु की भक्ति नाम जाप तपस्या स्टार्ट करते हैं, पिछले जन्मों के जो हमारे पाप कर्म होते हैं बहुत तेजी से वो हमारे उसी दौरान हमारी भक्ति में आते हैं, उसी दौरान हमारे जीवन में आते हैं, तो वो भी शुद्ध होते हैं, वो भी पवित्र होती है। क्यों? उन्हें भी लगता है कि हाँ भाई हमारे जो कर्म है पीछे के पाप है वो भी शुद्ध की प्रक्रिया चल पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने पिछले जन्म के जो ये पाप धुल रहे हैं, एक भक्त ऐसा मैंने देखा, माँ दुर्गा की बहुत तगड़ी भक्त थी और उसने अपने जीवन में माँ दुर्गा की बहुत बहुत ही पूजा करी, मान लो दिन रात पूजा करी, लेकिन उसके बुढ़ापे का समय जो था बहुत ही ज्यादा तकलीफ में बीता। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस जी के साथ भी हुआ था। क्या हुआ? उन्हें को गर्दन में जो था कैंसर था, कैंसर था, तो जो माँ कालका से सीधा जाकर बात करते थे, उनके हाथों से निवाला ग्रहण करते थे और माँ का आने का इंतजार करते थे, और ऐसे भक्त, और तो एक भक्त ने उनको ताना मार दिया कि आपका कैंसर, गले का कैंसर माँ खत्म कर सकती है पल भर में। तो उन्होंने जाकर माता से यही बात जाकर कही कि मातेश्वरी, एक भक्त मुझे इस प्रकार से कह रहा है कि आपका तो माँ के साथ सब कुछ है, तो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो आप तो मिनट में इस कैंसर को खत्म कर सकती हो और क्यों नहीं मेरे गले की पीड़ा को खत्म कर रही। तो माँ ने क्या उत्तर दिया उसको इतनी सरलता से
कि तुझे जल ग्रहण करना है, तुझे भोजन ग्रहण करना है, तू किसी भी रूप में कर सकता है, किसी भी रूप में कर सकता है। लेकिन जो शरीर के साथ कर्म जुड़े हुए हैं उन कर्मों को मत कर, क्योंकि यही कर्म आपके आगे आकर आपको किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में रहेंगे। अगर जो इस शरीर ने जो पीड़ा ले ली वो इसी शरीर को लेने दे, तो यही बात है कि अगर आपके शरीर के साथ कोई कष्ट भी हो रहा है तो आपके पीछे के जो कर्म है वो बहुत तेजी से सामने आते हैं। और ये भक्ति की ताकत ही है जो अब तक आप सेफ हो, शरीर के अंदर रोग नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो रही है। और अगर बीमारी हो भी जाती है तो मुझे तो इतना पता है कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं ना उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। उनके दर्द में भी परमात्मा को भी दर्द होता है, उनकी दिक्कतें में भी परमात्मा को भी दिक्कत होती है। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपको स्वयं अनुभव क्यों नहीं प्राप्त हो, या तो आपने उन अनुभवों को अभी तक समझा नहीं कि आप किस प्रकार की भक्ति कर रहे हो, कौन सी भक्ति कर रहे हो। मान लीजिए अगर आप नित्य नेम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो लगातार अगर 35 साल से, तो हनुमान चालीसा तो कब की आपकी सिद्ध है, आपके मुख बिंदु के द्वारा आपने उसको इस्तेमाल करना या उसको चलाना नहीं आया। तो क्या कोई गुरु, जहाँ पे बोल देते हैं कि भाई आपको गुरु की आवश्यकता है, तो यहाँ पे क्या हमें गुरु की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? ऐसा होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की हमारी आवश्यकता पग पग पर पड़ती है। अगर हम कोई मंत्र का जाप करते हैं लगातार, मान लीजिए हमने मंत्र का जाप किया ओम दुम दुर्गाय नमः, लगातार हम इस मंत्र का जाप, इस मंत्र के मूल प्रतिभाव को हम सब तक समझेंगे नहीं, इसके मंत्र की शिक्षा को हम जानेंगे नहीं कि ये मंत्र कितने समय के बाद क्या क्या प्रभाव छोड़ेगा, किस किस प्रकार से इस मंत्र की ऊर्जा हमें ग्रहण करनी है कब। और अगर ये मंत्र हमारा जब सिद्ध अवस्था में आ जाएगा तो हमें इस मंत्र को किस प्रकार से किस रूप से चलाना है, ये सब का सब गुरु के सानिध्य से ही आपको प्राप्त होता है। जैसे कि हमारा जो चैनल है, हमारे चैनल का उद्देश्य यही होता है कि आपको जानकारी प्रॉपर तरीके से दे। तो आप ये बताइए अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम 35 सालों से जो मेहनत बाबा की पूजा में कर रहे थे, क्या वो पूजा हमें पूर्ण तरीके से फल देगी या हमें दुखी ही होगा हम कर्मों के हिसाब से? पूजा का तो फल आपको प्राप्त हो गया है और हो भी रहा है, जो अगर हम 35 साल से उनकी पूजा कर रहे हैं तो ये इच्छा उन्हीं की है। सही बात, क्योंकि उनकी इच्छा से तो पत्ता भी नहीं हिलता। प्रभु की इच्छा होती है तभी हम उनके नाम का गुणगान कर सकते हैं, नहीं तो हम मल मूत्र के जीव हमारी क्या औकात हम अपने इष्ट का आराध्य का नाम भी ले सके। तो ये आपके ऊपर कृपा तो है, उन्होंने चुना है, उन्होंने आपको चुना है 35 साल से, ये आपके मन में है कि मैं उनकी पूजा करते रहा हूं और मुझे कुछ प्राप्त, आपको बहुत कुछ प्राप्त हो गया है। आप पीछे के अगर कोई लगातार अगर हनुमान चालीसा का भी जाप कर रहे हो, आप माला का भी जाप कर रहे हो और नियम से चलते जा रहे हो और इतने वर्ष आपने व्यतीत कर दिए हैं, तो सिर्फ बात ये रह गई है कि आप सानिध्य में नहीं आए हो। सानिध्य से अगर चलकर कार्य करोगे तो कृपा आपके साथ चल रही है, सिर्फ उस कृपा को समझने की आवश्यकता है। क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा वास करती है लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। हमारे शरीर में परमात्मा का सूक्ष्म रूप है, हम उस सूक्ष्म रूप से कनेक्शन बनाना ही नहीं आता हमें। वही सूक्ष्म रूप अगर हम जागृत अवस्था में ले आते हैं, वही सूक्ष्म रूप हमारे कमल हासन से निकलकर सीधा परमात्मा से लिंक करता है। हमारे शरीर में मूलाधार चक्कर एक्टिवेट होता है, धीरे धीरे सभी चक्र एक्टिवेट होते हैं, उन चक्रों से हमारी आत्मा का जो मिलन होता है परमात्मा से हो जाता है। तो हमारे शरीर में तो वास करती है, इसी प्रकार से परमात्मा की कृपा परमात्मा की शक्ति आपके साथ रहती है। बात सारी ये है कि हम उसको समझने की आवश्यकता है, जब हम समझेंगे तब हमें सब कुछ प्राप्त होने लग जाएगा। तो यही बात है, आइंदा कभी भी अपने मन में इस प्रकार का ख्याल मत लाना कि आपको हनुमान जी की भक्ति करते इतना समय होगा लेकिन आपको कुछ, बात ये है कि आप भक्ति कर रहे हो और वो भक्ति आपकी सिद्ध भी है, वो व्यर्थ नहीं गया है समय, लेकिन अब जो है आपको कुछ बनने का समय आ गया। तो इस विषय पे वीडियो भी बनाई हुई थी माँ के प्यारे चैनल पे मैंने डाली थी कि गुरुजी ना दरबार में बता रहे थे कि यही लोग जो भक्ति करते हैं वही लोग आगे चल के
दूत की श्रेणी में आ जाते हैं और आपकी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जिस भी भक्त की सच्चे मन से सरल हृदय से जो हनुमान जी की पूजा करता है, माँ दुर्गा की पूजा करता है, माँ कालका की पूजा करता है, वो उन्हीं की ही लोक में जाता है, उन्हीं की ही श्रेणी में। अगर कोई भूत पिशाच की साधना करेगा तो उन्हीं के तरीके में जाएगा, वो उसको अपने टेक ओवर कर लेंगे, उसके ऊपर हैवी होंगे। तो इसी प्रकार से अगर आप शक्ति की आराधना करते हो तो शक्ति की शरण में जाओगे, भक्ति कर रहे हो तो भक्ति के माध्यम से आप सब कुछ प्राप्त करो। तो इसका मतलब यही है कि जितनी हम भक्ति करते हैं वो हमें उनके श्री धाम को लेकर जाती है, और इसीलिए हम लोग भक्ति करते हैं कि हमें उनके मोक्ष की प्राप्ति हो और उनके चरणों का स्थान। आपके पक्ष में आपकी भक्ति ही गवाही देती है और कुछ नहीं देता। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।